केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंजना में बाबर शेख के घर में छापेमारी कर अवैध 8 लाख के जाली लॉटरी के साथ लॉटरी छपाई सामग्री को बरामद किया। वहीं पुलिस को देखकर सभी फरार हो गए। पुलिस निरीक्षक अजय कुमार ठाकुर ने मुफस्सिल थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक ने कहा कि 21 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पाकुड़ थाना क्षेत्र में अंजना में बाबर शेख के घर में काबिल शेख उर्फ टीपू के द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकट की छपाई कर आसपास के इलाकों में बड़ी धनराशि जीतने का झांसा देकर जाली लॉटरी टिकट की बिक्री की जाती है, जिससे ग्रामीण ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक अजय कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकट की छपाई कर बिक्री किया जा रहा था। कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। पाकुड़ में स्थानीय विद्यालय जीएवी पब्लिक स्कूल पाकुड़ के प्रांगण में सोमवार को बच्चों ने प्रभारी प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ पृथ्वी दिवस मनाया। पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के बीच जागरूकता फैलाना था, ताकि धरती को प्रदूषण से बचाया जा सके। इस मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य संजीव कुमार मिश्रा, शिक्षक संजय कुमार यादव और बच्चों ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया और धरती और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। इस विशेष अवसर पर अन्य बच्चों के लिए विद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में भाषण, चित्रांगण प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने प्रदर्शन द्वारा दिखाया कि प्रदूषण के कारण धरती कितनी प्रभावित हुई है और इसे किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। पाकुड़ में हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना है। वर्ष 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, धरती को जननी कहते हैं। धरती जानवरों से लेकर इंसानों तक को जीवन देती है, जिंदा रहने के लिए श्वास, जल और भोजन देती है। हालांकि इंसान पृथ्वी से प्राप्त तत्वों का भरपूर दोहन कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिन पर दिन पृथ्वी और इसका वातावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में विश्व प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाता है।